गुड मॉर्निंग एवरीवन, दिस इज वर्षा पठारे, वेलकम टू रघुवंश गवर्नमेंट स्कूल। क्लास फर्स्ट, सब्जेक्ट है आपका हिंदी, चैप्टर है आपका 14, चैप्टर का नाम है दशहरा। देखिए, जब अपन दीपावली मनाते हैं तो उसके पहले दशहरा आता है, तो दशहरे के बारे में ये चैप्टर है, अपन पढ़ते हैं। आज दशहरा का दिन है, अमर और रानी बहुत खुश हैं। शाम को दादाजी उन्हें दशहरे के मेले में ले जाएंगे। शाम होने को आई, दोनों ने नए नए कपड़े पहने, फिर वे दादाजी के पास गए। अमर ने दादाजी से कहा, हम तैयार हैं, अब दशहरे के मेले में चलो। दादाजी ने कहा, हाँ हाँ चलो चलते हैं। तीनों मेले में पहुंचे। मेले में बहुत भीड़ थी, कहीं खिलौने वाले खड़े थे तो कहीं खाने पीने का सामान बिक रहा था, कहीं गुब्बारे वाले तो कहीं तीर कमान और तलवार बेचने वाले खड़े थे। मेले में तरह तरह के झूले भी थे, बहुत से लोग झूला झूल रहे थे। मेला एक बड़े से मैदान में था। मैदान के ठीक बीच में तीन बहुत बड़े पुतले खड़े हुए थे। तीन पुतले होते हैं, देखो कौन कौन से होते हैं। वे तीनों उसी की ओर चल दिए। तभी उन्हें वे तीनों जो पुतले खड़े हुए थे उन्हीं के पास में जाने लगे। तभी उन्हें मदन और सीमा मिल गए। मदन दादाजी से बोला, नमस्ते दादाजी। सीमा ने भी कहा, नमस्ते दादाजी। दादाजी बोले, नमस्ते बच्चों, आओ मेला देखें। सभी पुतलों के पास गए। बीच वाले पुतले के 10 सिर थे। दादाजी बोले, बच्चों वह देखो, 10 सिर वाला रावण, क्योंकि रावण के कितने सिर होते हैं? 10। आपने रामायण देखी होगी तो उसमें देखा होगा रावण के कितने सिर आते हैं? 10, एक के बाद 10 ऐसे सिर होते हैं। सभी पुतलों के पास गए। बीच वाले पुतलों के 10 सिर थे। दादाजी ने बोला, ये है 10 सिर वाला रावण। मदन बोला, दादाजी इसके बाई और मेघनाथ का पुतला है ना? अमर बीच में ही बोल पड़ा, हाँ, और दाई और कुंभकर्ण का? रानी ने पूछा, दादाजी कुंभकर्ण रावण का भाई था ना? दादाजी बोले, हाँ कुंभकर्ण रावण का भाई था, और मेघनाथ उनका कौन था? पुत्र था। तभी श्री राम और लक्ष्मण तथा उनकी सेना मैदान में आ गई। श्री राम ने तीनों पुतलों पर जलते हुए तीर छोड़े। तीर लगते ही पुतलों में आग लग गई। आकाश में आग की लपटें उठी, ठार ठार की आवाज हुई, फटाके फटे, आतिशबाजी चली, आकाश में रोशनी हुई। सभी को बहुत मजा आया। मदन, अमर, रानी और सीमा तालियां बजाने लगे। दादाजी ने सभी को आइसक्रीम खिलवाई। लौटते समय उन्होंने खिलौने भी दिलवाए। रानी और सीमा ने गुड़िया खरीदी। मदन ने एक गेंद खरीदी। अमर ने एक खिलौना बंदूक खरीदी। दादाजी ने मिठाई भी खरीदी। सब हंसते खेलते घर लौट आए। तो ये चैप्टर आपका दशहरा का चैप्टर था, दशहरे के विषय में था। दशहरे में कैसा मैदान लगता है, कैसे दशहरा मनाया जाता है, और दादाजी के साथ वो उनके जो बच्चे थे वो सब दशहरा देखने गए, वहाँ पर उनके दोस्त भी मिले उनको। दशहरे के मैदान में कितने पुतले थे? 3 पुतले थे। बीच वाला तो रावण था, जिसके कितने सर थे? 10 सर, और एक मेघनाथ जो उनका पुत्र, और एक कुंभकर्ण। कुंभकर्ण कौन है? उनका भाई। तो इस प्रकार आपको समझ में आ गया वो दशहरे के विषय में। तो ये चैप्टर आपका कंप्लीट होता है। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।